हेलो स्टूडेंट, एनडीए 1 2020 19 अप्रैल के लिए आज से बैच स्टार्ट हो गया। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी और सबसे अच्छी बात है कि ये बैच जो है वो ऑनलाइन और क्लासरूम दोनों एक साथ स्टार्ट किया गया है। और ऑनलाइन और क्लासरूम में डिफरेंस क्या है और आप कैसे कर सकते हैं अटेंड क्लास, वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। और एनडीए 2 का रिजल्ट को लेके, एसएसबी प्रिपरेशन को लेके जो जो आपके मन में डाउट्स हैं, जो जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं, वो सारे डिस्कस करूंगा। पर पहले उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वीक का प्लान क्या है और इस वीक इम्पिटस ग्रुप उनसे वो स्टूडेंट भी जुड़ सकते हैं जो ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो भी जुड़ सकते हैं। वन वीक के लिए आप कुछ टॉपिक्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसमें आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूं। आपको अभी दो क्लासेस मिलेंगी इस वीक में, ट्यूजडे वेनसडे, ध्यान से सुनिएगा, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे एक मैथ्स की क्लास होगी जिसका टाइमिंग होगा 10:30 AM, जिसका टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास होगी ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। इसमें आप समझ पाएंगे, ये पूरे मैंने नवंबर का प्लान बताया मैथ्स का, पर एक चीज मैं आपको चाहता हूँ कि आप अटेंड करिए इस क्लास को तो आपको समझ में आएगा कैसे। और जीएस की क्लास होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जिसका की टाइम होगा 6 PM। ये दोनों लाइव सेशंस होंगे, आप इनको अटेंड करिएगा। आप क्या अब अटेंड कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। उसके लिए इम्पिटस गुरुकुल की वेबसाइट पे जाना है, नंबर 1 www.impetusgurukul.com। वहां पर जाएंगे तो वहां पर टॉप पर लिंक होंगे, उस लिंक पे आप जाइएगा नोटिफिकेशन पे। जब आप नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर तीन आइकॉन दिखेंगे, उसमें एक वर्क प्लान होगा। जब आप वर्क प्लान पे जाएंगे तो वर्क प्लान में एनडीए एनए का आपको इस वीक का क्लास का शेड्यूल और लिंक दिया होगा। उस लिंक को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप ये क्लास देख सकते हैं। यानी इस वीक की क्लास में चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग देखिए उसको। ये दो टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एनडीए में वो होती है मैथ्स और जीएस, इनके अटेंड करिए। बाकी फिर आप अगर उसके बाद आपको ये क्लास अटेंड करने का लाइव क्लास से जुड़ना चाहें तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब बात करता हूं, एक बार फिर बता दूं कि मैथ्स की क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10:30 का टाइम रहेगा। ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे 4 क्लासेस में टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसमें आपको कैसे स्टार्ट करना है बेसिक से और कहां तक जाना है वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी। और जीएस की क्लास 6 PM पे होगी। उसके लिए आपको impetusgurukul.com पे जाके नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको तीन आइकॉन दिखेंगे, उसमें वर्क प्लान को क्लिक करेंगे तो एनडीए एनए का करंट वीक का आपको शेड्यूल मिलेगा जिसमें मैथ्स और जीएस के लिंक दिए हैं। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये क्लास इस टाइम पे अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कि इस वीक में, देखिए इस बार एनडीए के लिए हमारे पास टाइम कम है, 4 मंथ का टाइम है। मैं इसे 4 मंथ ही काउंट करूंगा, भले ही 4 मंथ से थोड़ा ज्यादा है, पर मेरा मानना यह है कि हमें अप्रैल के फर्स्ट वीक तक पूरा सिलेबस खत्म करना है, बल्कि हमें 31 मार्च तक सब कुछ कंप्लीट करना है। तो अगर 31 मार्च तक करना है तो हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फेब और केवल मार्च, ये 4 मंथ हैं। इन 4 मंथ में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अभी क्लास में स्टार्ट जो किया जाएगा, नंबर 1 टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक टॉपिक यही है, यहीं से पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक होगा प्रोग्रेशन, जिसमें एपी जीपी एचपी, देन उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, देन उसके बाद मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी बेसिकली पहले वीक में हम, पहले इस मंथ में हम स्टार्टिंग में पूरा एलजेब्रा करेंगे, फिर उसके बाद पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी। पर अभी पहले इतने टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ और मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूंगा, और वेबसाइट पे भी हम रेगुलर अपडेट करते हैं वीकली प्लान, तो वो आप देख सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में ये होगा। एक बार जब एलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा तो एलजेब्रा के बाद मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप भी उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ही एलजेब्रा कंप्लीट होगा तो एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री किया जाएगा, क्योंकि मेजर टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस किया जाएगा, कैलकुलस के बाद फिर बचे हुए जैसे 2D, वेक्टर, 3D, ये टॉपिक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स। सबसे मेजर टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, जिसके 40 से 50 क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग एलजेब्रा से इसलिए की जाती है क्योंकि आपका एक बेसिक एलजेब्रिक ऑपरेशंस आपके अच्छे से लगा पाए, ये एक पर्पस होता है। तो अब इस मंथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हम लोग क्लास चलाएंगे। भोपाल में सारी क्लासेस चलती हैं और लाइव में भी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। अभी हम आपको मैथ्स और जीएस की क्लासेस दे रहे हैं, तो उसमें
आपको वीकली प्लान के हिसाब से क्लासेस मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगा, इंग्लिश भी होगा, मैथ्स भी होगा, एसएसबी के भी कुछ सेशंस होंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अब ये 4 मंथ्स में आपने जो जो चीजें भेजी हैं, मैं पहले उस पर आना चाहूंगा। सबसे पहले कि 4 मंथ सफिशियंट है कि नहीं। दूसरा, ये वाला जो टाइम होता है एनडीए 1 का, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो बच्चा होता है वो होता है 12th अपेयरिंग स्टूडेंट। तो मैं आप सभी 12th अपेयरिंग स्टूडेंट को एक बात कहना चाहूंगा। इवन कई बच्चों ने मुझे ये भी भेजा है कि सर अभी हम 11th में हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, क्या हम दे सकते हैं? देखिए, एग्जाम जरूर दे सकते हैं, पर आप कंसिडर जब भी किए जाएंगे जब आप 12th अपेयरिंग या 12th पास आउट है। तो अभी आपको उसके लिए पैनिक नहीं होना है। तो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। 12th अपेयरिंग स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी एक सब्जेक्ट में होती है तो वो है जीएस, क्योंकि आप 12th में रहते हुए सब कुछ पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, पर आप कुछ नहीं पढ़ते तो जीएस नहीं पढ़ते, तो आपको जीएस अलग से थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो अलग से पढ़ना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा रिव्यूज पेपर रीडिंग की आदत डालनी होगी, और कोई भी एक अच्छी जीएस के लिए मैगजीन आप स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आप जीएस पढ़ पाए। दूसरा, आप अपने स्कूल सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करिए, वही सिलेबस कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भोपाल में हमने देखा हर जगह के बच्चे आए, सबसे ज्यादा आउटसाइडर बच्चे होते हैं, बाहर से दूर दूर से आए, तो एक चीज समझ में आई कि मैथ्स आती तो है पर वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स है, राइट अप्रोच है, वहां पर कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है कि हम पहले तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही करें, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही करने के बाद फिर उनको एग्जीक्यूट यानी उनके राइट अटेम्प्ट को बढ़ा पाए, ये एक प्रॉब्लम होती है। वो चीज आपकी धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेवलप हो सकती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से वो चीज डेवलप हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा, परेशान मत होइएगा। इसके अलावा आपने मुझसे पूछा था कि एनडीए 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो एनडीए 1 का रिजल्ट दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक आएगा, फिर उसके बाद करीब 20-30 डेज बाद एसएसबी होगा। पर अगर आप अगला एनडीए देने के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपको रुकना नहीं है। इनफैक्ट एनडीए 1 के रिजल्ट के तुरंत बाद यहां पर भी एसएसबी के सेशन स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों को पर अभी रुकना नहीं है। अगर आपका स्कोर 300 प्लस है तो बहुत प्रोबेबल चांसेस है, 330 के आसपास होने पर मैं बोलूंगा कि 99% है, 100 तो कोई भी नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकता, पर चांसेस हैं 330 पे आप 100% सेफ जोन में बोल सकते हैं लगभग, और 300 से 330 में डिपेंड ऑन कि कट ऑफ क्या जाता है, पर एक प्रोबेबल चांसेस हैं। पर उसके बाद भी इवन ऐसे भी बच्चे हैं यहां पर जिनके 400-450 स्कोर है, उनको भी मैंने एक ही बात बोली कि रुकना नहीं है। एनडीए ना रुकने वाला एग्जाम है, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से तैयार करना है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एसएसबी की कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती, जब आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वही प्रिपरेशन एनडीए में, एसएसबी में भी काम आती है। फिजिकल वर्क नहीं है एनडीए, ये मिसकंसेप्शन है। बस आप फिजिकली अगर कुछ कर सकते हैं तो रनिंग करिए, सिटअप, पुशअप, पुलअप, ये फिजिकल एक्सरसाइज करिए, करीब करीब 1 आवर रेगुलर दीजिए, और अगर कोई स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, अगर ऐसा कोई स्पोर्ट्स है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। दूसरा, रीडिंग की आदत डालिए, अच्छी नॉवेल्स पढ़िए, कुछ अच्छे लिटरेचर्स, बायोग्राफी पढ़िए, ये सब आदत आप अपने आप डेवलप करिए अगर आप 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं, बट साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी करते चलें, क्योंकि अगर एक सेवा कहीं एसएसबी में आप आउट होते हैं तो एसएसबी के बाद एनडीए 1 में बहुत कम टाइम मिलेगा, तो ऐसा ना हो कि आप उस समय सोचें कि अब क्या होगा। तो ये बात दिमाग में रख के चलिए, एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। कल ट्यूजडे है, आपको 10:30 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास अटेंड करनी है, और पहले हो सके तो ये सेशन सुनने के तुरंत बाद एक बेसिक आप खुद भी रिवाइज करिए, बहुत कम टाइम है। कोशिश ये करना है कि एलजेब्रा के जो टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक को 3-4 डेज लगना चाहिए। अभी क्योंकि ये पहला वीक है, इंट्रोडक्शन वीक होता है, इस समय आते हैं बच्चे, इसलिए थोड़ा स्लो चलते हैं, सेकेंड वीक से स्पीड बढ़ेगी, तो 3-3 डेज में आपको लगभग एक एक टॉपिक्स को कवर करना है, जिससे आप टाइमली सिलेबस को कवर कर पाए, टाइमली कर भी पाए और प्रैक्टिस भी कर पाए। और एक और चीज याद रखिए, जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, जैसे मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो साथ में लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी आपको साथ डिस्कस करूंगा कि देखिए ये थ्योरी हमने पढ़ी है, अब इसके एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना है। कई बार हमें आता है पर हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते या हम उसमें ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं, तो ये यहां पर जो प्रॉब्लम आती है वो हमें दूर करनी है। बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए, कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो कोई नहीं रोक सकता सिवा आप अपने आप को खुद रोक लें, तो कोई निगेटिव थॉट मत लाइए। बहुत ही एक हमेशा याद रखिए, एक मैं बेसिक बात बोलना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सपोज भोपाल में हैं
और आपको दिल्ली जाना है, और अगर आप दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गए तो पक्की बात है दिल्ली पहुंच जाएंगे, भले ट्रेन कितनी भी लेट हो। पर अगर आप बॉम्बे वाली ट्रेन में चढ़ गए तो इसका मतलब है कि आप दिल्ली नहीं बॉम्बे जा रहे हैं। वैसे ही अगर आपने सोचा है कि डिफेंस की सवारी करनी है तो वही एक डायरेक्शन रखिए, दूसरी डायरेक्शन मत करिए। एंड पॉइंट तक जाए बिना कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। बिना एटीट्यूड के कभी भी SSB निकल ही नहीं सकता। हर एग्जाम अलग अलग तरह की एबिलिटी या नॉलेज चेक करता है। NDA बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चीज़ है या डिफेंस एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। इसलिए एक चीज़ याद रखिए, जिस चीज़ को स्टार्ट किया है उसको एंड तक करना है। एक रेगुलर डिसिप्लिन अपने आप को फॉलो करिए, एक रेगुलर टाइम टेबल बनाइए, हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दीजिए। जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है वो अपने 12th बोर्ड पर बहुत फोकस करें, साथ में करीब 2 आवर्स की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करें। पर जो 12th पास आउट है वो अपना पूरा फुल फोकस दें, अपना 100% दें। आप जब अपना 100% देंगे तो देखिएगा आपका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पर देखता हूँ बच्चों को, जब वो आते हैं तो उनकी जो मैंने बेसिक चीज़ें देखी कि कई बार बेसिक ही क्लियर नहीं होते, कंसेप्चुअली कहीं ना कहीं वीक होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इनको दूर करके आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा, अभी मैं आपके साथ रेगुलर सेशन लेता रहूँगा तो आपके जो जो क्वारीज होंगे, जो जो डाउट्स होंगे वो दूर करता जाऊँगा। एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि इस वीक में ट्यूजडे से फ्राइडे तक हम आपको मैथ्स और GAT की लाइव क्लासेस देंगे, जिसमें मैथ्स का टाइम होगा मॉर्निंग 10:30। कंटिन्यूशन में भी दे सकते हैं, पर लाइव क्लासेस जब हम लगातार कंप्यूटर और मोबाइल पर देखते हैं तो थक जाते हैं। ऐसे में एक कंटिन्यूशन की जगह क्लासरूम में एक साथ ही होती है, पर यहां पर हम आपके साथ ये करेंगे कि अलग अलग टाइम पे देंगे, जिससे आपको टाइम भी मिले। जैसे 10:30 से 12 o'clock तक क्लास चलेगी, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, फिर इवनिंग में आप GS की क्लास अटेंड करिए। ऐसा मंडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू फ्राइडे करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है और कैसे पढ़ना है। ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में भी हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कहाँ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ये कि जहाँ भी पढ़ें वहाँ पर सही डायरेक्शन में, राइट गाइडेंस में पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही तो तुरंत डिसीजन लें, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।